सब कुछ नहीं, देखिए क्या है कि सिनेमा जो पिछले कुछ सालों के अंदर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अभी मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे, लेकिन इस पूरे माहौल के दौरान जहाँ पर पूरी नेगेटिविटी छाई हुई थी, इंडस्ट्री में कुछ हो नहीं रहा है, मेरे को लगता है श्री योगी जी ने जो एक भरसक काम किया है, एक पॉजिटिविटी फैलाई है कि नई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अभी भी ज़िंदा है और लोग भी और क्षेत्र और सरकारें और स्टेट्स भी जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं उसको बढ़ाने में। आज आप देख रहे हैं कि रीजनल सिनेमा की पावर कितनी बढ़ती चली जा रही है, हर स्टेट जो है वो एंटरटेनमेंट की तरफ झुक रहा है। तो मेरे को लगता है कि इसके अंदर ऐसी कोई बॉम्बे में ऐसी फीलिंग है नहीं, ये कुछ चंद लोगों ने किया है। आज देखा जाए तो कितने सालों से यूपी में पिक्चर में शूटिंग चल रही है, पिक्चर की कितनी फिल्में बन चुकी हैं यहाँ पर। मैंने खुद अभी अपनी पिक्चर कागज़ कंप्लीट किया और मैं अभी उसको 7 जनवरी को वो ZOTT पे और यूपी के चुनिंदा थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है 7 जनवरी को। तो हम सब फिल्मकार जो है वो यूपी की तरफ भागते हैं क्योंकि यूपी के अंदर कहीं एक सच्चा इंडिया छुपा हुआ है, समझे ना। अगर हम देखें चाहे वो अवधि भाषा हो, यहाँ की सलाहियत हो, यहाँ का अदब हो, यहाँ की लैंग्वेज हो, जो कि हमारे पुराने राज कपूर की फिल्में भी होंगी अगर तीसरी कसम भी देखो या आप गंगा जमुना देखो, तो कहीं अवध जो है वो हमारी फिल्मों में बहुत रहा है, यूपी का हिस्सा बहुत रहा है। तो मेरे को लगता है कि इसके अंदर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इतना परिवेश, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, इतने लोग हैं और एक लोकल टैलेंट को अपनी जगह मिल जाएगी तो क्या उसके अंदर फ़र्क पड़ता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।